व्हाट इज द बेस्ट एज टू स्टार्ट बॉडी बिल्डिंग, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर जानना बहुत जरूरी है। आज हम इसका जवाब साइंस की बुनियाद पर हासिल करेंगे। फिजिकल एक्टिव रहना और फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए, लेकिन ऐसी कौन सी एज है जो बेस्ट एज है बॉडी बिल्डिंग के लिए? वैसे तो अगर आपने कोई भी एक्सरसाइज करनी है जिसमें कार्डियो एक्सरसाइज है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, तो ये आप स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी एज में। देयर इज़ नो एनी डिसएडवांटेज ऑफ देम। लेकिन बॉडी बिल्डिंग छोटे बच्चों को, टीनेजर को नहीं स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि उनकी बोन्स की जो इलास्टिसिटी होती है मुतासिर होती है और उनकी हाइट मुतासिर होती है। अब यहाँ पे बहुत से लोग ये समझते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और बॉडी बिल्डिंग इज़ अ सेम थिंग। एक जो छोटे बच्चे हैं या जो टीनेजर हैं वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करें लेकिन बॉडी बिल्डिंग ना करें, तो इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और बॉडी बिल्डिंग में कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो होती है वो एक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होती है जो कि आपकी मस्कुलर फिटनेस के लिए ज़रूरी होती है और आपकी बोन्स की हेल्थ के लिए और आपके मसल्स के लिए ज़रूरी है। लेकिन जो बॉडी बिल्डिंग है इट इज़ द अदर थिंग। बॉडी बिल्डिंग एक स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है जिसमें हम सम न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट्स का यूज़ करते हैं, लीन बॉडी मास गेन करते हैं, फैट लॉस करते हैं और एक एस्थेटिक किस्म का बॉडी फिजिक जो है उसको प्रिपेयर करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग। अब मैं आ जाऊँ अपने सवाल की जानिब कि व्हाट इज़ द बेस्ट एज टू स्टार्ट बॉडी बिल्डिंग। मीन्स हमारी बॉडी में सबसे अहम हार्मोन होता है जो हमारे मस्कुलर ग्रोथ में एक अहम किरदार अदा करता है और हमारे मसल जब टूटते हैं बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मसल फाइबर टूटते हैं, तो उनकी रिकवरी में सबसे अहम किरदार अदा करता है वो है टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन जो है उसका जो पीक लेवल है वो एज 19 में स्टार्ट होता है मेंस में, और इसलिए एज 20 से लेकर 30 एज तक, बिटवीन 20 टू 30 एज इज़ द बेस्ट एज टू स्टार्ट बॉडी बिल्डिंग और आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे इस एज में बॉडी बिल्डिंग करने के बाद। क्योंकि एज 30 के बाद हर साल, एज 30 के बाद हर साल 1% टेस्टोस्टेरोन जो है वो डिक्लाइन हो जाता है, यानी कि 1% कम बनने शुरू हो जाता है, जिससे आपकी जो फिजीक है वो बॉडी बिल्डिंग करने के बाद उस कदर गेन नहीं होगी जितनी कि वो परफेक्ट एज, जो पीक एज है 20-30 उस दौरान होगी। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़।